first visit to Rome after assuming office. This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi. This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. The cooperation between India and Italy within G20, you know, that spirit has very, very deep roots. The relationship between our two countries have enhanced further in the last few years, especially after the virtual summit that we had last year between the two prime ministers. तो आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच चुके हैं और आज इटली के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो गांधी प्रतिमा जाएंगे, वहां पर श्रद्धांजलि देंगे महात्मा गांधी को. और उसके बाद आज कई कार्यक्रम है जिसमें कि श्रद्धांजलि देने के बाद महात्मा गांधी को आज इटली के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी. G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं. आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद पहली बार, क्योंकि अब तक जितने भी कार्यक्रम होते रहे हैं वर्चुअली जुड़ते रहे हैं उन तमाम कार्यक्रमों से, तमाम सम्मेलनों में, लेकिन इस बार खुद मौजूद हैं प्रधानमंत्री. और काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करना काफी अहम है. 20 बड़े देश, दिग्गज देश एक मंच पर होंगे और वहां पर कई मुद्दे हैं जिसमें कि कोरोना से निपटने से लेकर इस वक्त जो आर्थिक स्थिति हो गई है पूरे विश्व में, उसको लेकर भी चर्चा होगी.